तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है, पागल हो गए हैं ये लोग। कोई बाहर से आएंगे तो इस तरह से करना है उसको। तो तुम उसके कहने में चलोगी? मम्मी इसने बोला था, मम्मी इसने बोला था, मम्मी मम्मी इसने बोला था, इसने यार वो बोला था तो तुम्हें अकल नहीं है। कुछ भी बोलेगा तो वो करोगी। ये पूरा दे मेरा देखना क्या गंदा कर दिए। दांत फाड़ रहे हैं ऊपर से, मम्मी देखना मूछें बना रखी है। देखो ये, देखो ये आपकी बहू। क्या चल रहा है, ये क्या बना रखे हो मूसा कलप? शक्ल देखो, इसके बाल देखो, ये हेयर स्टाइल, ये आपकी बहू। कायदे से इसको घूंघट डालना चाहिए, लेकिन ये देखो ऊपर सर पे देखो एंटीना डाला हुआ इसने, और मूछें अलग। ये आपकी बहू, ये आजकल की बहू है। क्या उधर बात करो मम्मी से? तुमने मम्मी के ऊपर ऐसा क्यों करा? मतलब मैं कुछ भी बोलूंगा तो तुम करोगी क्या? कल को मैं तुम्हें बोलूंगा कुएं में कूदो तो तुम कुएं में कूद जाओगी क्या? मैं तो चेक कर रहा था कि ये मैं चेक कर रहा था कि ये अगर मैं इसे कुछ बोलूंगा आपके ऊपर ऐसा कुछ करने को तो ये कर देगी। तो इसने कर दिया इसने, आप ये सोचो इसने आपके ऊपर कर दिया, इसके अंदर इतनी हिम्मत है। तेरी वजह से हो रही है इतनी हिम्मत। देखो करा तो उसने ना, लेकिन सब तेरी वजह से हो रहा है। कोई बाहर से आएंगे तो सास के ऊपर ऐसे कर रहे हैं। कौन करता है ऐसे? ये हमारे घर में बस चल रहा है ये सब। बताओ क्यों करा ऐसे? अबे साले, उधर जाके मम्मी से फेस टू फेस बात करो। हो गया सर, मैं नहीं करूंगी। तो आज के साथ आज के तुम्हारे साथ कोई टास्क निकला? मम्मी देखो टास्क कर रही थी आपके ऊपर, आपके ऊपर रंग डाल के टास्क कर रही थी। इसको ये भी नहीं पता होली जा चुकी है एक महीने पहले। वेल डन। पहले ये बताओ तुमने अपने सास के ऊपर ऐसा क्यों किया? बस कभी तुम अपनी सास के ऊपर ऐसे अंडा मार देते हो 300+ बिलियन व्यूज और कभी तुम मम्मी के ऊपर पानी फेंक देती हो, वो ऑल्सो मतलब मोर देन 40-50 मिलियन व्यूज। यार वो क्या मतलब है ये? मम्मी मैंने नहीं किया। नहीं मम्मी, लेकिन ये तो नहीं, गलत है वैसे। ये आजकल की बहू है मम्मी, ये तो आजकल की। देखो देखो, जब रोहन की शादी हो तो ऐसी बहू मत लाना। निकल जाओ तुम लोग यहाँ से, कोई सॉरी वॉरी नहीं है किसी। मैं निकल जाता हूँ। जाओ तुम भी जाओ। नहीं, निकल जाओ मुझे किसी से। वो बोला तो तुम सुने क्यों? कौन करता है ऐसे बाहर से आके? पूरा ये देखना ये क्या हो रखा है। ऑलरेडी ब्लू था और ब्लू कर दिया। अभी जाना था मुझे फिर से। तो मम्मी आप इसको कुछ कहते क्यों नहीं हो? डिस्गस्टिंग बिहेवियर। बोलो नहीं पागल हो। तुम्हारी वजह से मेरी डांट पड़ी है, इस चीज का बदला तो मैं ले। पूरा प्लान ही यही था। अरे देवा। हाँ जी, किद्दा आ रही है थोड़ी सी मसल? आज ना कुछ हार्ट टू हार्ट बात कर लेते हैं लास्ट दो व्लॉग्स के बारे में। लोग आजकल कहीं का भी कहीं कनेक्ट करने लग गए हैं भाई। मतलब लास्ट व्लॉग के बारे में अगर मैं बात करूं, जिसमें मैंने शिल्पा को नौकरानी बनाया था, सारे के सारे टास्क ना इंस्टेंट, कुछ भी मैंने पहले से सोचा हुआ नहीं था, लिखा हुआ नहीं था, कर दिया। पर आजकल ना कुछ भी अगर मैं व्लॉग बनाता हूं, तो कुछ गिने चुने लोग हैं जो उड़ता हुआ तीर ऐसे लेके शौक ही अलग है उनके। आई नो हमारी जो कट्टर क्री लाइफ गैंग है उनको इन सब चीज से कोई दिक्कत नहीं है। दे नो अस कि हम लोग स्टार्टिंग से क्या मस्ती भरे काम करते रहते हैं अपने चैनल। इलेक्शन आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बहुत सारे राइट्स है हमारे पास। तो यहाँ मैंने ओपनली बोल दिया कि मैंने किसको वोट दिया, क्योंकि उन्होंने लोकली एक्चुअली अच्छा काम करा है। उसमें भी लोगों को लग गई लाल मिर्ची। अच्छा इन क्लाउंस लोगों का दोगलापन देखो, ये लोग मुझे कह रहे हैं ध्रुव राठी की वीडियो देखो डिक्टेटरशिप वाली, एंड आई एम श्योर उसने अपनी वीडियो में कहीं ये तो नहीं बोला होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा दो। उसके पास भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कि वो अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसको वो ओपनली क्रिटिसाइज कर पा रहा है। तो मैं गाली क्यों खा रहा हूँ भाई? एक तो वैसी पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर दो, लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, रिश्ते नाते खत्म। कब से आप लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ भूल जाओ। खैर खैर खैर, मकसद से नहीं भटकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉलो करके मैंने भी बोल दिया कि हमने किसको वोट दिया। जिनकी जली है जलवाते रहो, तेरे को जिसको वोट करना है तो करना। किसी को मना करा क्या कि भाई इसको वोट मत करो? एटलीस्ट उन लोगों की तरह तो नहीं हो, वोट करा किसी और को ओपनली
ट्रेंड फॉलो करके बोल दिया भाई हमने तो इसको वोट करा है ताकि यू नो वैलिडेशन मिल जाए समाज में। अच्छा धमकी तो देखो, अनसब्सक्राइब कर देंगे, अंधभक्त हो गया है ये, एटसेट्रा एटसेट्रा जी, लव कंट्रोल। बाकी लाइक राठी जी सेड, बाहर निकलो, इलेक्शन आ रखे हैं, अपने राइट को एक्सरसाइज करो और वोट करो। इतना ही कहना था, होपफुली हार्ट टू हार्ट टॉक ओपन में अच्छी लगी होगी। ये है हमारी सड़कें मस्त सी, और ये सड़कें दूर दूर तक ऐसी हैं। थैंक्स शिल्पा फॉर मॉनिटरिंग माय कैमरा कि वो स्कूटर से गिर ना जाए। आज तो शिल्पा ने जिम भी जा उठा। All right, guys. Meet lady in the car, जिसने अभी pre-workout मारा है और इसकी बाट लगी पड़ी है। मैंने ना इसको अभी pre-workout पिला दिया before working out. मैंने कहा मजे में पिलाते हैं, वैसे it's not necessary. चलो बाहर चलते हैं। अच्छा by the way शिल्पा ने नए shoes लिए। Nike. मेरे हाथों पे चीटियां खा रही है। मैंने ना इसको pre-workout पिला दिया है। Now the thing is, इसको अब चीटियां काट रही है। तो she is like, एक बात बताओ कुछ होता है क्या इसको पीने के बाद? Guys, finally शिल्पा is joining the gym. First time in her life. सिर्फ शिल्पा जिम इसलिए ज्वाइन करी ताकि इसकी हाइट बढ़ जाए। यहाँ पर कहीं पर किड्स सेक्शन भी है क्या जिम का? खड़ा नहीं होया जा रहा शिल्पा से इस टाइम, इतनी टिंगली हो रही है सब जगह। ये हाफ स्कूप पे ये हालत है इसकी। इसको ऐसे ऐसे पकड़ो और ये करो। तो गाइस मैंने ना शिल्पा की एक्चुअली पीटी ज्वाइन करवा दी है, तो अभी मीनवाइल शिल्पा ऊपर वर्कआउट कर रही है। यहाँ मेरा टास्क मिला है मेरे को ऋषि को संभालने के लिए, तो हम ऋषि को यहाँ पर इसी एरिया में रखेंगे बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा वेट्स वगैरह नहीं है, तो रिस्क कम है खेलने के लिए इसके लिए। प्री वर्कआउट का नतीजा, इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्ट, तोड़ के रख देना शरीर को तोड़ के रखना है ताकि घर में एक कोने में बैठे रहे, बकवास ना करे। और जानम कैसा लग रहा है किसी और के इशारों पे नाच के? जो बंदी किसी और को, इधर देख इधर जो बंदी किसी को नचाती है आज वो किसी और के इशारों पे नाची है, कैसा लगा? क्या क्या दर्द होगा। अब तुम शॉपिंग करने क्यों जा रही हो किस खुशी में? तुम्हें ये दिला दिए, 5 टी-शर्ट दिला दी, अब ये 5 साल पुराने हैं। तो तुम कौन सी नहीं हो? पकड़ इसको। मोर जिम की शॉपिंग, एक जिम क्या ज्वाइन कर लिया, शॉपिंग ही चल रही है, बिल दिखा के जाना होता है। Lots of lemon, रस, uno cards. ये है lemon, ये है card. हमें इस पे फूक मार के इसको नीचे गिराना है, और जो सबसे आखिर तक गिराता है उसको lemon ये पूरा का पूरा पीना पड़ेगा। हाँ? और स्वाद ही आ जाना है। चलो लाइन से आ जाओ रोहन, पहले मेरी टर्न, तुम पीछे आओ, तुम रोहन के पीछे जाओ, भाई जाओ, घर में सबसे छोटी तुम हो हाइट में। हाँ तो। ऋषि को अगर एक्सक्लूड करना चाहे तो, अरे हट जाओ ए! भैंस की आग बहुत सारी गिरा दी मैंने। तू पिएगी ओ मैं तो नहीं पीऊंगी, अब तुम अपना ही देख लो। बच गया। एक बार लेमन है। एक बार रोहन तू पी के देख, ओनली लेमन।
पी जाओ पूरा का पूरा एक सिप में, एक सिप में, एक सिप में। ओ भाई एक ही दिन में सारा विटामिन सी तुमने डाल दिया अपने बॉडी में। मजा आ गया, स्वाद ही आ गया। अब तुम्हारी रात की नींद की माँ की आंख। एक्चुअली अब तुम्हें नींद नहीं आएगी। हाँ। तुम वैसे भी जगराता करती हो, इसके साथ कहा गया अब अच्छे से कर लेना। Hey guys, I hope you guys enjoyed this video. यहाँ तक देख लेना, प्लीज लाइक करके जरूर जाना। इसका हम शॉर्ट्स बना के डाल सकते हैं। With that said, हंसते रहो, हंसते रहो, खुश बांटते रहो, फिर मिलेंगे। चलते चलते बूम। कुड़िये 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 सुन ले तो सुन मेरी बात कुड़िये, कुड़िये 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 रह जा तो रह जा मेरे साथ कुड़िये। मम्मी ये वही औरत है जिसने आपके ऊपर कल रंग फेंका था। कलेश मम्मी इसकी बातों में ना